हेलो डियर स्टूडेंट्स, लाइन एंड एंगल्स चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके थे और मैंने आपको कहा था कि हम एग्जांपल्स तो कर ही रहे थे, लेकिन जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है देन वी आर इन अ पोजीशन टू डू द मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस विद ग्रेट ग्रेविटी एंड क्वेश्चंस विद टफनेस। अब वो टफनेस को लोग अलग अलग फॉर्म में लेते हैं, है ना। चूँकि ये स्टडी है, ये पढ़ाई है और यहाँ पर वर्क कल्चर जो है ना वो बहुत डिफरेंट रखना पड़ता है, बहुत डिफरेंट रखना पड़ता है। आज सुबह ही मैं जब कुछ लोगों से बात कर रहा था तो मैं आपको एक चीज़ याद दिला देना चाहता हूँ कि इस दुनिया में हो क्या रहा है। एक फिल्म आई थी थ्री इडियट करके, उसमें आमिर खान थे और उनका एक स्टेटमेंट था कि यार मार्क्स से होता क्या है, मार्क्स आर यूजलेस और मार्क्स ये है और मार्क्स वो है, और लोगों ने बहुत सराहा उसको। बींग द टीचर हम उसे देख रहे थे, स्टेटमेंट हम कोई देते नहीं है क्योंकि टीचर है, ठीक है ना, क्योंकि पता होता है कि लॉन्ग टर्म में क्या होना है क्या नहीं होना है। अभी एक दो दिन पहले मैं एक एडवर्टाइजमेंट देख रहा था, उसमें आमिर खान किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए कह रहे थे कि यार वहाँ एडमिट हो जाओ, बस 98-99% मार्क्स आते चले जाएंगे। अब समझिए कि मैकेनिज्म क्या है। दुनिया इसी तरह चल रही है, दुनिया डबल स्टैंडर्ड पे इसी तरह चल रही है, लेकिन ये जो पढ़ाई है ना इसमें आप बहुत जल्दी धोखे में आ जाते हो। इसका कोई बाईपास रूट नहीं है, मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ कि इस पढ़ाई के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आपने मेहनत नहीं की आपका काम बनेगा ही नहीं, चाहे कोई कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, ठीक है ना। और मेहनत करने का मीनिंग होता है कि यहाँ आप कंसेप्ट को समझिए, फिर कंसेप्ट को अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए, मैंने रिपीट किया इसको, और देखिए कि आप उन क्वेश्चंस को किस तरीके से सोच के कर पाने की पोजीशन में हैं। और यहाँ मैं पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि कई सारे क्वेश्चंस पर आप अपने बच्चे के वर्क कल्चर को वॉच आउट कीजिए और जो आपके एक्सपर्ट हैं उनसे कंसल्ट कीजिए कि मेरा बच्चा इस क्वेश्चन पर इस तरीके से वर्कआउट कर रहा है, क्या आगे चल के मैं इसे मैथ्स या बायोलॉजी ऑप्ट करवा सकता हूँ क्या। तो आपको बहुत आसानी से डिसीजन मिल जाएगा कि यार ये बच्चा रिएक्ट नहीं करता प्रॉपरली, रिस्पॉन्ड नहीं करता, ये अप्लाई नहीं कर पाता, तो डोंट गो फॉर मैथ्स। साइंस और मैथ्स आप 11th में आके ऑप्ट मत कीजिए, साइंस और बायोलॉजी आप 11th में आके ऑप्ट मत करिए। देर आर मच ब्यूटीफुल सब्जेक्ट्स कंपेयर टू देम। हो सकता है आपका जो स्टूडेंट है, आपका जो बच्चा है, वो किसी दूसरी जगह पर बेहतर परफॉर्म कर पाए, उसका ड्राइंग अच्छा हो, उसका फाइन आर्ट अच्छा हो, उसका परफॉर्मिंग आर्ट अच्छा हो, ठीक है ना। तो ये आज जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये भी एक लिटमस टेस्ट है। ये लिटमस टेस्ट भी बताता है दैट योर चाइल्ड इज डूइंग गुड ओवर हियर, देन यू कैन ऑप्ट मैथ्स और यू कैन ऑप्ट बायो इन क्लास 11th। बट योर चाइल्ड इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, बहुत पुअरली परफॉर्म करता है, तो ये डिसाइड कर लीजिए कि भाई पाथ कुछ और होना चाहिए, या उसे मोटिवेट कीजिए कि तुम पढ़ नहीं रहे हो और अपना बेस्ट परफॉर्म करके दिखाओ किस तरह की चीज़ें तुम कर पाते हो नहीं कर पाते हो। और बेस्ट ऑफ द एफर्ट पे भी ये नहीं हो पाए तो कन्फर्म है कि हमें सब्जेक्ट चूजिंग में कुछ बहुत बड़ी सावधानी बरतनी होगी। तो चलिए, मैं आपको लाइंस एंड एंगल्स कंप्लीट पढ़ा चुका, बहुत खूबसूरत चैप्टर है आप जानते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। मैंने वहाँ थ्योरम्स भी पढ़ाई थी आपको। इफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3, मीन्स ये आपका जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है, ये 8th, 9th, 10th तीनों लेवल के बच्चों पर आप टेस्ट कर सकते हैं। दिस इज फॉर 8th, दिस इज फॉर 9th, दिस इज फॉर 10th। अपने आप आपको काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि what the child is doing, what the standard of the child is. तो मैं कह रहा हूँ इफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3, फाइंड द बिगेस्ट एक्सटीरियर एंगल एंड द स्मॉलेस्ट एक्सटीरियर एंगल। अब चूंकि इस तरह के क्वेश्चंस डेफिनेटली टेक्स्ट बुक्स में नहीं है, ये एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज पे बेस्ड हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिकॉज हम लोग थ्रू आउट द लाइफ कॉम्पिटिटिव लेवल राइट फ्रॉम द फाउंडेशन। फाउंडेशन का मीनिंग है बिगनिंग से, हम ये पढ़ाते हुए आ रहे हैं तो हमें पता है कि हाँ किस तरीके से आप अपने कंसेप्ट को ऊपर लेकर चलते हैं। अब मैंने स्टूडेंट से ये कहा कि यार इस क्वेश्चन को देख के आपको समझ क्या आता है।
इफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1:2, 2:3, if the internal angles of the triangle are in the ratio of 1:3, then find the biggest and the smallest exterior angle. ठीक है, आपने ये being the teacher सब लोगों से बात करो, आपने क्वेश्चन लिखा पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद में, और आपने कहा यू डू इट, पूरी क्लास अब इस पर रिस्पॉन्ड कर रही है, रिएक्ट कर रही है, एंड टीचर एज अ ऑब्जर्वर क्लास में घूम रहा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा. कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को देखते ही, जिसे कहते हैं ना चीता हमला करता है किसी तेजी से, या टाइगर जो है वो अटैक करता है उस तेजी से अटैक करते हैं. ठीक है, कुछ बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया, ठीक है ना, और इधर उधर बगले झांकने लगते हैं. इज दैट क्लियर? और कुछ जो होते हैं वो बिल्कुल ही जिसे कह सकते हैं कि न्यूट्रल हो जाते हैं, पता नहीं क्या है यार. इस तरह का क्वेश्चन बुक में तो नहीं है. अब चलिए, ठीक है ना, तो क्या होता है, स्टूडेंट एक ट्राइंगल बनाता है, ABC आप भी बना सकते हैं. इस साइड को एक्सटेंड करता है तो कहता है ये एक्सटीरियर एंगल है, इस साइड को एक्सटेंड करता है तो ये एक्सटीरियर एंगल है, इस साइड को एक्सटेंड करता है, और फिर पता करता है यार कैसे मेजर करूं, कौन सा मैक्सिमम है, कौन सा मिनिमम है. ठीक है, और अभी मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा जो बहुत तेजी से इस पर वर्कआउट कर रहे हैं और बिल्कुल तैयार है कि मैं इसको कर दूंगा. मैं एक सामान्य बच्चे जो इस तरह का ट्राइंगल बना के कोशिश कर रहे हैं, मैं उनके पास जाता हूं और उनसे पूछता हूं, यार मैंने आपको दो थ्योरम्स पढ़ाई थी, ठीक है ना, तो वो बिल्कुल रेडी है, हाँ सर आपने दोनों थ्योरम्स पढ़ाई थी, हमने वो दोनों थ्योरम्स पढ़ भी ली. और मैं कहता हूँ मुझे बताइए थ्योरम वन क्या थी, ठीक है ना. अब स्टूडेंट वन कहता है थ्योरम वन था दैट द सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये थ्योरम वन था सर, दोबारा बोल रहा हूं, स्टूडेंट मुझे जवाब दे रहा है सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. मैंने कहा थ्योरम टू क्या था, थ्योरम टू क्या था, व्हाट वाज थ्योरम टू? तो फिर कहता है ये सर मैंने पढ़ाया, आपने पढ़ाया था और आपने कहा भी था रोज जाके पढ़ा करो, तो मैं पढ़ता हूं व्हाट थ्योरम टू इज, ध्यान से समझिएगा, है ना. तो थ्योरम टू कहता है कि सर एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स. मैंने कहा बहुत बढ़िया, फिर तुम ये क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हो? कहता सर पता नहीं, समझ नहीं आ रहा. तो मैंने उससे कहा और सब बच्चों से बात कर रहा हूं, एक तो वर्ड इंटरनल एंगल आ गया, इसका मतलब इंटरनल एंगल वाली थ्योरम का यूज हो सकता है, करना पड़ सकता है, डिपेंड करता है. एक और चीज आ गई आपके पास एक्सटीरियर एंगल, तो क्वेश्चन मल्टी कंसेप्चुअल हो गया कि जब तक आपको दोनों थ्योरम्स नहीं आती होंगी तब तक तो आप कर ही नहीं सकते इसको, ठीक है ना. तो इस क्वेश्चन ने यह तो पता कर ही लिया कि आपके दोनों कंसेप्ट पड़े हुए हैं कि नहीं. अब मैं बताता हूं आपको, ठीक है. दिस एंगल इज वन, एग्रीड, इंटरनल एंगल है. दिस एंगल इज टू, एग्रीड. दिस एंगल इज थ्री. तो ये तीनों इंटरनल एंगल्स हैं, है ना, ये याद रखिएगा. और इन तीनों इंटरनल एंगल्स को किस रेशो में दिया हुआ है, 1:2, 2:3. तो यदि मैं आपको कहूं कि मैं इंटरनल एंगल्स में से एक को थीटा ले लूं, लेट दिस एंगल इज थीटा, ये भी इंटरनल है आपका, इसको भी आप थीटा ले सकते हैं. मींस ये जो 1:2:3 है ये किस रेशो में, 1:2, 2:3. तो मैंने कहा भाई आपके पास में ये एंगल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ थीटा और ये एंगल हो जाना चाहिए थ्राइस ऑफ थीटा. रीजन इज एंगल 1:थीटा. तो आपने कहा कि इनका रेशो कितना है 1:2, 2:3. तो मैंने कहा इंटरनल एंगल आर थीटा, 2 थीटा एंड 3 थीटा. ये लीजिए रेशो निकालिए, थीटा कैंसिल, आप कहोगे 1:2, 2:3. मींस पहला एंगल आपका थीटा है तो दूसरा एंगल ट्वाइस ऑफ थीटा है और तीसरा एंगल थ्राइस ऑफ थीटा है. अब आपको ये भी क्लियर हो गया कि इन दोनों में या इन तीनों एंगल्स में दिस इज द स्मॉलेस्ट एंगल एंड दिस इज द बिगेस्ट एंगल, पक्का, ठीक है, बहुत बढ़िया. अब वो स्टूडेंट कहता है सर थ्योरम वन यदि मैं अप्लाई करूं तो सम ऑफ दीज
these three internal angles, 1, 2, 3 or theta 2, theta 3, theta, some of these three internal angles should be equals to 180 degree. Yes, this plus this plus this should be equals to 180 degree. तो थीटा थ्योरम वन अप्लाई किया मैंने, ये लीजिए थ्योरम वन, सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. 3 × 5 × 6, 6 थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. थीटा इज इक्वल्स टू 180/6, तो थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. ठीक है, वेरी गुड. अब आपने कहा सर पहला एंगल थीटा आपका कितना है 30 डिग्री, तो दूसरा एंगल 2 थीटा कितना हो गया 2 × 30 दैट इज 60 डिग्री, एंड 3 थीटा इट विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री. एग्रीड? बहुत ध्यान से समझिएगा, दिस इज 30 डिग्री, देन ट्वाइस ऑफ थीटा 60, थ्राइस ऑफ थीटा 90 डिग्री. यस, इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये लीजिए. सो दिस इज ए सपोज, दिस इज बी सपोज, और दिस इज सी, वट एवर इट बी दिया. तो आप ये कह सकते हैं सर दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री, है ना. अब मैं बनाता हूं आपके साथ, चेक करते हुए चलिएगा. दिस इज एंगल 30, दिस इज एंगल 60 एंड दिस इज एंगल 90 एंड इट इज ABC. तो इंटीरियर एंगल्स तो मुझे पता लग गए, है ना. अब क्वेश्चन क्या कहता है सर, बिगेस्ट एक्सटीरियर एंगल, स्मॉलेस्ट एक्सटीरियर एंगल, बी केयरफुल, बहुत ध्यान से समझे. अब एक बच्चा बेचारा जो है वो कहता है सर दिस इज ए, एग्रीड, दिस इज बी, आई एग्रीड, दिस इज सी. सर यदि इस लाइन को एक्सटेंड करूं तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा, यदि इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा, और यदि इस लाइन को एक्सटेंड करूं तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा. ठीक है, कोई बात नहीं, एक और बार देखते हैं. दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री. एग्रीड? इट इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. एक्सटेंड करना है, कैसे? इधर की जगह इस बार इधर एक्सटेंड किया, ठीक है. इस बार इधर एक्सटेंड कर दीजिए, इस बार इधर एक्सटेंड कर दीजिए, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है. सर दिस एंगल इज एक्सटीरियर एंगल, यस दिस एंगल इज एक्सटीरियर एंगल, दिस एंगल इज एक्सटीरियर एंगल. सर कैसे पता पड़ेगा कौन बिगेस्ट है, कैसे पता पड़ेगा कौन स्मॉलेस्ट है? मैंने कहा ठीक है, क्या करें, ध्यान से समझिएगा, बी केयरफुल. तो मैंने स्टूडेंट को कहा यार थ्योरम टू को भूल गए तुम, ये लीजिए ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 90. पहले तो
जब आप थ्योरम टू को लेकर आते हैं, मैं टीएच टू लिख रहा हूं, समझिएगा, आपको पता लगेगा यह थ्योरम टू कहता था कि जो आपका एक्सटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो मैं कोई जनरल ट्राइंगल आपके सामने बना दूं यूं करके, ये लीजिए ये जनरल ट्राइंगल है, ये ए ये बी ये सी, ये एक्सटीरियर एंगल है आपका एंड लेट इट इज थीटा, ये रहा है ना एक्सटीरियर एंगल, और ये एंगल आपका वन है, ये रहा, और ये एंगल आपके पास में टू है। तो पहले तो ये बताइए कि एंगल वन और टू आपके थीटा के लिए अपोजिट इंटीरियर एंगल्स है। थ्योरम को याद रखना दैट एक्सटीरियर एंगल शुड बी द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल शुड बी द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल शुड बी इक्वल्स टू द सम ऑफ। तो ये आपका जो एक्सटीरियर एंगल है इसका आपका वर्टेक्स ही है, तो इसे तो छोड़ देना है, तो बचे हुए वर्टेक्स ये दोनों हैं, तो वन और टू क्या हो गए, इस थीटा एक्सटीरियर एंगल के लिए, इस थीटा एक्सटीरियर एंगल के लिए वन और टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो आपका थ्योरम कहता है दैट थीटा शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, थीटा शुड बी इक्वल्स टू वन प्लस टू, एग्रीड। मैं यहां फिर लिख रहा हूं थीटा शुड बी इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल थीटा शुड बी इक्वल्स टू, इसको आप ईए लिख दीजिए यार, ताकि आपको आइडिया रहे कि एक्सटीरियर एंगल है एंड इट शुड बी इक्वल्स टू वन प्लस टू। अब पहले मुझे बताओ थीटा आपको कौन सा चाहिए, मैक्सिमम थीटा मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम, और फिर थीटा मुझे क्या चाहिए, मिनिमम। तो थीटा मैक्सिमम कब आएगा, जब वन और टू का सम मैक्सिमम हो। तो जो जो बिगेस्ट एंगल्स हैं, इज दैट क्लियर, हाईएस्ट जिनकी वैल्यूज हैं उन्हें ऐड करने की कोशिश कीजिए। तो आपको यदि फाई, जिसको आपने एक्सटीरियर एंगल बोला, इधर इधर आप क्या बोल रहे हैं, थीटा, ठीक है ना। तो मैंने आपको कहा कि थीटा आपका एक्सटीरियर एंगल, यदि आपको इसको भी थीटा की जगह चाहे तो फाई कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ले, सिंबल है ये, तो इधर भी फाई, यहां फाई था इसलिए मैंने इधर कर दी। तो फाई की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब आपके ये दोनों एंगल्स हायर वैल्यूज रखते हो। तो मेरे पास वैल्यूज कौन सी है, 30, 60 और 90, 30, 60 और 90। अब फाइव मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो आउट ऑफ दीज थ्री आप किन को ऐड करें कि मैक्सिमम आए। तो आप 60, ये दो टॉप वैल्यूज हैं, तो 60 प्लस 90 ये आपका मैक्सिमम एडिशन होगा, 90 प्लस 30 नहीं होगा, 60 प्लस 30 नहीं होगा, और मिनिमम एडिशन कौन सा होगा, 60 प्लस 30। लोएस्ट को ऐड करा, सबसे छोटे को दो कौन है, सर ये सबसे छोटा और ये उससे जस्ट बड़ा, 30 और 60, तो स्मॉलेस्ट एडिशन 30 और 60 का और बिगेस्ट एडिशन 90 और 60 का। तो आपका फाइव मिनिमम कब आएगा, फाइव मिनिमम आएगा जब आप स्मॉलेस्ट को ऐड करें 30 और 60 को, तो इट इज 30 प्लस 60 इट इज इक्वल्स टू 90। एंड जब आप मैक्सिमम चाहते हैं तो आप बिगेस्ट को ऐड करें, तो बिगेस्ट में एक तो 90 है और एक 60 है, तो इट इज 90 प्लस 60 इट गोज आउट टू बी एस 150, एग्रीड। सो व्हाट कंक्लूजन यू कैन ड्रॉ, कि मेरे पास जो एक्सटीरियर एंगल है वो मैक्सिमम कितना है, तो मैक्सिमम आपके पास आना चाहिए, फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो फाई मैक्सिमम शुड बी बिगेस्ट, मैक्सिमम बिगेस्ट इट शुड बी, इट इज 90 प्लस 60 एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू 150। एंड एक्सटीरियर एंगल मिनिमम कितना आएगा आपके पास में, तो स्मॉलेस्ट जो दो हैं उन्हें ऐड कर लीजिए, तो इट विल बी 30 प्लस 60 एंड इट विल बी 90। अब देखते हैं कहां कहां क्या है, कौन कौन से हैं अपोजिट में 90 और 60। तो 90 तो यहां है और 60 यहां है, तो ये दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होने चाहिए।
तो वर्टेक्स ए काम में आ गया, बी काम में आ गया, आप इस साइड को बढ़ा दीजिए यूं करके, और ये आपका फाई मैक्सिमम है, देखिए। एंड दिस फाई मैक्सिमम विल बी इक्वल्स टू, ये तो इंक्लूड हुआ नहीं ये दोनों। अच्छा फाई मिनिमम किधर है? तो 30 और 60 छूटने चाहिए, तो 30 ये वाला, सॉरी 60 और 30, 30 ये रहा इस वर्टेक्स पे, 60 इस वर्टेक्स पे, इन दोनों को छोड़ दीजिए, तो इस साइड को बड़ा कर दीजिए, ये लीजिए। सो दिस एंगल विल बी फाइव मिनिमम। सो द बिगेस्ट एक्सटीरियर एंगल फाइव मैक्सिमम, इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? फाइव मैक्सिमम विल बी इक्वल्स टू, इट इज कमिंग टू बी एज 90 प्लस 60 150, एंड फाइव मिनिमम इज कमिंग टू बी एज 30 प्लस 60, दैट गोज आउट टू बी एज 90। दीज आर द टू आंसर्स। समझ आ गए आपको? अब समझिए कि हमने क्या किया है। इट इज एंटायर चैप्टर, लाइंस और एंगल पूरा का पूरा चैप्टर आपने यूटिलाइज किया। पहली चीज आपको थ्योरम पता होनी चाहिए, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। उसका सेंस भी होना चाहिए कि यदि मुझे एंगल्स के रेशियो दे दिए तो हाउ टू डील विद दैट, मैं उससे डील कैसे करूंगा, है ना। एक और थ्योरम दैट एक्सटीरियर एंगल शुड बी इक्वल्स टू सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये दोनों थ्योरम्स आपको नहीं आती, यू कैन नॉट डू दैट क्वेश्चन। आती हैं लेकिन अब अप्लाई करना आना चाहिए। ये तो पता था कि एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, लेकिन एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम कब होगा? जब आप कौन से वाले इंटीरियर एंगल्स को ऐड करते हैं जो हायर साइड पर वैल्यूज रखते हैं। तो इनमें आपके 30, 60, फर्स्ट वन वाज 31:2:3, सेकंड वन वाज 60 डिग्री, एंड लास्ट वन वाज 90 डिग्री। तो इनमें टॉप मोस्ट एंगल्स कौन कौन से हैं 60 और 90? तो इन दोनों का जब एडिशन करेंगे तो आपको टॉप मोस्ट वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल मिलेगी, और बॉटम मोस्ट सबसे कम वाले कौन से हैं 30 और 60। तो जब आप इन दोनों का एडिशन करेंगे तब आपको लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सटीरियर एंगल मिलेगी। तो ये आपकी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल है 150 के इक्वल, और ये लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सटीरियर एंगल है दैट विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। बस अब पता कर लीजिए कि यदि इस तरह का थॉट प्रोसेस आप ला सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं रिलेटेड टू एकेडमिक्स एंड कॉम्पिटिटिव examinations। और यदि अभी इस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं तो कोशिश कीजिए कि इस तरह की थॉट आपको डेवलप हो जाए। और आपको लगता है कि मैं कुछ भी कर लूँ सर, इस तरह का तो दिमाग मेरा चलता नहीं है, इस तरफ तो मैंने बहुत एफर्ट कर लिए, इससे ज़्यादा मैं एफर्ट नहीं कर सकता, देन नो नीड, इनके पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। बहुत सारे दुनिया में बहुत विकल्प खुले हुए हैं, दे आर मेनी ऑल्टरनेटिव्स, यू कैन गो फॉर देम, आप उनके लिए जा सकते हैं। बस पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।